नमन नारायण दोस्तों, मैं मंजू सती अपने व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सब कुशल होंगी। मैं भी ठीक हूँ। तो कीजिए आज 2-3 दिन बाद मेरे भगवान जी के दर्शन और अपने दिन को कीजिए शुभ। दिखाती हूँ आपको आप अपना मंदिर आज और भगवान जी। जय श्रीमन्नारायण। देखिए आप भी अपना कार्य कीजिए और मैं भी अपना कार्य करती हूँ। और दोस्तों, साल भी जाने वाला है, नया साल आने वाला है। देखते हैं क्या क्या करते हैं पुराने साल में और कैसे विदा करते हैं इसको। तो ठीक है, फिलहाल मैं काम करती हूँ किचन। दोस्तों, दिन के खाना बनाने की तैयारी हो गई, काम तो निपटा नहीं है। सारे कपड़े धो रही थी, आधे धुले हैं और आज पता नहीं क्यों अचानक हमारे यहाँ लाइट चली गई तो बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है। तो मैंने सोचा खाना ही निपटा दूँ। खाने वाले भी आ रहे हैं, एक आध दो लोग। भाई आ रहा है जिम कॉर्बेट घूमने के लिए, जा रहे हैं हम लोग रामनगर, तो खाना खा के जाएंगे ऐसे ही। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट खाना बना दूं। खाने बना रही हूँ दाल चॉकलेटी वाली और हरी सब्जी। हरी सब्जी तो तैयार ही है, लगभग लगभग हरी सब्जी तैयार है और ये दाल भी छोंक रही हूँ फटाफट। खाना रेडी करती हूँ और वो लोग भी आते होंगे। दोस्तों, खाना खा पे क्योंकि रेडी, और जो जाने वाले थे, आने वाले थे, वो आके चले भी गए। अपना चिमनी सही करने वाले भैया आए हैं तो मैं भी उनके साथ लगी हुई हूँ। और लाइट, दोस्तों लाइट ना अभी तक नहीं आई। सुबह 11 बजे चली गई थी, 4 बज गए हैं, अभी तक लाइट नहीं आई। उसका भी वेट हो रहा है लाइट का, क्योंकि मेरे थोड़े कपड़े भी पड़े हुए हैं। देखो दोस्तों, चिमनी का काम हो रहा है हमारा। चिमनी सही हो रही, भैया कर रहे हैं, चिमनी वाले भैया आए हुए हैं इसकी सर्विस। चूल्हे की भी और चिमनी की भी भैया कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं इनके साथ इन्हें देखती हूँ थोड़ा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं अनगावा जी के पास, उनको इनवाइट करने के लिए भी और थोड़ा उनसे परमिशन लेने के लिए भी, क्योंकि उन्हीं का पार्क है तो उनसे परमिशन लेनी जरूरी है। तो चलते हैं उनके पास, वहाँ पे मुझे अनीता मिलेगी, तो मिलते हैं, उनको मिलाती हूँ आपसे और मैं भी मिलती हूँ। तो चलिए चलते हैं उनके पास और आप भी मिलिए, मैं भी मिलती हूँ और मिल के बातें करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं। बता दो कहाँ आ रहे हो आप लोग, किसको इनवाइट करने आए हो आज? हम लोग गावा सर के पास आए हैं, उनको इनवाइट करते हैं कीर्तन के लिए। इनवाइट करना और परमिशन लेने, उनसे उनसे परमिशन लेने, योगा मेंटेनेंस की परमिशन लेने के लिए हम लोग सब हैं। अपने कीर्तन के लिए, योगा के लिए परमिशन लेने के लिए आए हैं, तो उनके पास और आपको भी मिलाते हैं। पहुंच गए घर में और मैं आपको मिलाती हूँ सर से, आप भी मिलिए, उनसे आशीर्वाद लेते हैं हम लोग। मैं क्या बोलूँ, मैं तो मातृशक्ति के लिए सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। देख लिए चाहिए जो भी जरूरत है, और आप योग के काम को जो आगे बढ़ा रहे हैं तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। ये तो पूरे देश का है, मोदी जी भी कर रहे हैं, स्वामी जी भी कर रहे हैं, आज भी यही कह रहे हैं। तो अगर पूरी दुनिया में या देश में शांति आएगी तो ये जो आप प्रयत्न कर रही हैं योग का, इसी से आएगी, इसी और से। कोई दूसरा रास्ता नहीं। लड़ाई से ना आज तक हुआ है ना होगा, ना हो। तो आप आपका बहुत बहुत मातृशक्ति का बहुत बहुत। तो हम लोग ये कीर्तन के लिए भी इनवाइट करने के लिए आए हैं, कीर्तन के लिए भी सर ने आके हमारे भगवान जी के साथ की आरती करनी, हमारा सहयोग देना है। बिल्कुल, ये तो उसके लिए आप सौभाग्य जी जरूर आऊंगा मैं वहाँ पर। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए हमें, तो जरूर आइए आप। जरूर, ठीक है, अवश्य। हमेशा आपका सहयोग चाहिए हमें हर शुभ कार्य में, हर शुभ कार्य में आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। मेरा शुभ कार्य में सहयोग आप, मैं डॉटेड लाइन पे साइन करके देता हूँ। बिल्कुल जी, मैं यहाँ जेबी टेस में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरा सहयोग जरूर रहेगा। नहीं, आप रहेंगे सर। आपकी दुआएं और आपका आशीर्वाद चाहिए और ऊपर वाले का साथ चाहिए, हमारा भी काम बनते रहे। तो इतने लोग इनवाइट करने आए थे सर को, सभी लोग सुरजे सर है हमारे साथ। ये सबका स्वागत है। रेखा दीदी है, इनवाइट सर को। आपने अपने प्रॉब्लम रख ली, आपने बताओ। हमारा ग्रुप आया राधे मंडी का, सर को इनवाइट करने, योगा का भी है और राधे मंडी का, हम लोग कीर्तन भी करते हैं, तो हम सर को इनवाइट करने आए हैं। पहली तारीख का नए साल का कीर्तन कर रहे हैं और आप सभी लोग भी इनवाइट हो, आप सब लोग इनवाइट हो नए साल में, नए दिन शुभ कार्य वहीं मिल जाए, सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ग्रुप के तरफ से और सब लोग कीर्तन में आए। हाँ,
देखो हमारी पहाड़ की चीज यहाँ तक फैली पड़ी है, ये हमारे पहाड़ में बहुत होती है। ये साल में सभी लोग सब एक साथ मिलके भगवान का नाम लें, भगवान के कार्य करें, ताकि हम आगे को हमेशा धार्मिक कार्य करते रह जाएं, भगवान का स्मरण करते रह जाएं, कीर्तन करते रह जाएं। क्यों दीदी? हाँ जी ठीक है। हाँ, फर्स्ट जनवरी को हम लोग कीर्तन कर रहे हैं कि सारा साल हमारा बहुत अच्छा रहे, सबका अच्छा रहे, हमारे साथ साथ सबका अच्छा रहे, शुभ रहे, सर का साथ रहे, सर का साथ रहे, वो सर हमारे साथ रहेंगे बस। हाँ, जो बोलेंगे हम वही करेंगे बस। तो चाय आ गई है सबकी, चाय ले रहे हैं सभी लोग, चाय पीते हैं सर के साथ। दोस्तों कीर्तन का सामान जोड़ने के लिए आए हैं, धीरे धीरे अपने कीर्तन मंडली के लिए कीर्तन के लिए कीर्तन करवाएंगे, उसका सामान ले रहे हैं। और हम आए हैं गिलास और प्लेट लेने डिस्को दिल की होलसेल दुकानें, दिखाती हूँ आपको एक बार, ये हमने ले लिया, ये हो गया आपके, देखिए मैंने घर के लिए लिया है टॉयलेट। नया मंदिर दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान का, जय सिया राम। ऊपर हाँ, ये मैंने चलाने के लिए रखी, देखिए जय शनिदेव महाराज। आज हमने शनिदेव के दर्शन करे, शनिवार के दिन नवग्रह देवता, देखिए दोस्तों बाजार गई थी, वहाँ सामान वामान लेके आ गई घर, सामान लेके आई और अनीता और मैं ही गए थे, थोड़ा हमने बताया था कि जैसे कीर्तन का सामान खरीदा और उसने ना मेरे कान्हा जी के लिए नए साल पे मुझे एक ड्रेस बना के दी है, बहुत सुंदर उसने इतनी ड्रेस बना दी कान्हा जी के लिए, और अभी मुझे एक ड्रेस दी है तो मैं नई साल में पहनाऊंगी, दिखाती हूँ आपको एक बार, बहुत सुंदर लग रही है ये, देखिए मेरी कान्हा जी की ड्रेस, फ्रॉक वाली ड्रेस बनाई है उसने, फ्रॉक वाली, देख कितनी सुंदर ड्रेस है। बहुत सुंदर ड्रेस है, और ये ना इसकी कैप है दोस्तों, ये कैप पहनाऊंगी अपने श्रीमन नारायण को, तब आपको दिखाऊंगी कान्हा जी को, दर्शन तो मैं रोज ही कराती हूँ। उसने मुझे और दिए बना के, बताना आप लोग क्या है ये, अगर कोई पहचान सकता है तो बताना। इसके नीचे एक चीज और रखी है, ये घर में बनाई है उसने सारी चीजें, ये गर्मा गर्म चाय पीते हैं, मेरी बेटी चाय बना रही लग गई किचन में चाय बनाने में, चाय बना रही है, बढ़िया बनाना। दोस्तों खाना खा पी के हो गए रेडी और आप सोते हैं, और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, कल मिलती हूँ आपको एक नई ताजगी, नई उमंग, नई तरंग के साथ, तब तक आप लोग सभी बने रहिए, जय श्रीमन्नारायण।